हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और फ्रेंड्स, आज जो है हम ये वाला पैटर्न बनाना सीखेंगे। ये देखिए, पत्तीदार डिज़ाइन है, बहुत ही प्यारा लगता है। और इसे जो है आप लेडीज़ कार्डिगन्स में डाल सकते हैं, बच्चों के स्वेटर्स में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने इस बेबी सेट में डाला हुआ है। और ये जो बेबी सेट है अभी प्रिपेयर्ड नहीं है, तो इसकी जो वीडियो होगी वो मैं इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में जो है वो अपलोड कर दूंगी। तो आज की वीडियो में जो है मैं सिर्फ ये पैटर्न बनाना आपको बताऊंगी कि इसे किस तरीके से बनाना है। देखिए, तो रॉन्ग साइड इसकी इस तरीके से जिगजैग बन के तैयार होती है, जाली वाला पैटर्न है। और ये डिज़ाइन जो है 16 रोज़ का रिपीट पैटर्न है, 16 सिलाइयों का पैटर्न है ये। और इसके लिए फंदे जो हैं वो हम 16 के मल्टीपल में लेंगे, 16 प्लस 16 प्लस 16, ऐसे आप कास्ट ऑन कीजिए फंदे। और लास्ट में जो है 3 फंदे 3 स्टिचेस एक्स्ट्रा कास्ट ऑन करने हैं। तो यहाँ जो आप ये सैंपल देख रहे हैं, इस पर जो ये बॉर्डर देख रहे हैं, ये मैंने आपको बनाना बताया हुआ है। इसका लिंक जो है मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से इसका लिंक निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। और देखिए, बॉर्डर बड़ा प्यारा इसका बना है। तो बॉर्डर बनाने से पहले जो है यहाँ पर डबल फंदे मैंने जो है 67 कास्ट ऑन किए हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। और इसके ऊपर जो है वो मैं आपको ये पैटर्न बनाना सिखाऊंगी, बाकी सारी डिटेल्स आपको सेकेंड पार्ट में मिलेगी। तो बॉर्डर बनाने के बाद देखिए, रो 1 हम फ्रंट साइड से बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे जो है मैंने 16 के मल्टीपल में 32 और प्लस 3 एक्स्ट्रा स्टिचेस, तो इस तरीके से 35 फंदे 35 स्टिचेस हो जाते हैं। तो ये मैंने कास्ट ऑन किए हैं। अब देखिए, रो 1 हम फ्रंट साइड पर इस तरीके से शुरू करेंगे। एज स्टिच तो है, हम दोनों तरफ से जो है हर बार स्लिप करेंगे। उसके बाद देखिए, हमने 2 फंदे सीधे बुनने हैं, 1 2, 2 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा आगे करेंगे। आप 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3, धागा पीछे करेंगे, 7 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, धागा आगे करके 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, धागा पीछे करेंगे, 1 फंदा सीधा। तो देखिए, एज स्टिच को छोड़ दीजिए, 2 4 6 8 10 12 14 16, ये 16 फंदे हमने रिपीट करने हैं। तो एक बार हम यहाँ पे रिपीट करेंगे। तो कैसे किया था हमने, देखिए, रो 1 पे 2 फंदे पहले सीधे बुनने हैं, फिर 3 फंदे उल्टे, फिर 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7, फिर धागा आगे करके 3 उल्टे, 1 2 3 और 1 सीधा। तो यहाँ तक जो है हमने 16 फंदे रिपीट कर लिए हैं। उसके बाद एंड में हमारे पास 2 फंदे रह जाएंगे, तो ये दोनों जो है हमने सीधे बुनने हैं। तो इस तरीके से जो है हम रो 1 बनाएंगे फ्रंट साइड पे। रो 2 देखिए, जितने भी हमारी रॉन्ग साइड की रोज हैं वो हमने इस तरीके से बनानी है कि सीधा फंदा जो दिखाई दे रहा है उसे सीधा बुनना है, जो उल्टा दिखाई दे रहा है उसे उल्टा बुनना है, और जो जाली वाला फंदा है उसे उल्टा बुनना है। तो पहला फंदा तो हर बार स्लिप ही करना है और सिंपल है। देखिए, जो उल्टा नज़र आ रहा है उसे उल्टा बनाते जाइए, जो सीधा दिखाई देता है उसे सीधा बनाना है, इस तरीके से। तो ये सेकंड रो भी हम इस तरीके से बना के कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हमने रो 2 कंप्लीट कर ली है। अब आ जाते हैं फ्रंट साइड, रो 3 बनाएंगे। अब पहला फंदा तो स्लिप करेंगे, उसके बाद देखिए, एक फंदा सीधा, एक जाली, इसके बाद एक सीधा नजर आ रहा है, ये हम इस तरीके से घुमा लेंगे
और आगे जो उल्टा फंदा है इसके साथ हम दो का एक कर देंगे बैक लूप से ऐसे। आप धागा आगे करके तीन उल्टे, एक दो तीन, धागा पीछे करके पांच सीधे, एक दो तीन चार पांच, फिर धागा आगे करेंगे तीन उल्टे, एक दो तीन, फिर धागा पीछे करेंगे और यहाँ पे देखिए सीधा उल्टा नज़र आ रहा है, इन्हें हम फ्रंट लूप से दो का एक करेंगे ऐसे। उसके बाद यहाँ डालेंगे एक जाली, तो अब एच स्टिच को छोड़ेंगे, दो चार छः आठ दस बारह चौदह सोलह, ये सोलह स्टिचेस करने हैं हमने रिपीट। तो क्या किया था देखिए, एक सीधा एक जाली, दो का एक बैक लूप से, तीन उल्टे, पांच सीधे, तीन उल्टे, धागा आगे कर लेंगे तीन उल्टे, धागा पीछे दो का एक फ्रंट लूप से, एक जाली। तो यहाँ तक हमारे 16 फंदे रिपीट हो गए हैं। एंड में जो दो फंदे रह जाएंगे ये हम सीधे सीधे बुनेंगे। रो 4 जो है हम सीधे पर सीधा उल्टे पर उल्टा बुनेंगे। और देखिए जो जाली वाले फंदे हैं ये भी हमने उल्टा ही बुनना है। अब बनाएंगे रो 5। एच स्टिच स्लिप करेंगे, उसके बाद देखिए एक फंदा हमने सीधा बुनना है, फिर डालेंगे हम यहाँ पे जाली, एक सीधा। अब ये फंदा हम जो है सीधा वाला फंदा ऐसे घुमा के लगा लेंगे और आगे वाले फंदे उल्टे फंदे के साथ जो है बैक लूप से दो का एक कर देंगे ऐसे। फिर धागा आगे करके तीन उल्टे, एक दो तीन, फिर तीन सीधे, एक दो तीन, फिर यहां पे धागा आगे करेंगे तीन उल्टे बुनेंगे, फिर धागा पीछे दो का एक ऐसे, फिर एक सीधा और एक जाली। तो ये एज स्टिच छोड़ दीजिए, यहां से यहां 16 फंदे हमने रिपीट करने हैं। तो एक सीधा एक जाली, एक सीधा दो का एक बैक लूप से, तीन उल्टे, तीन सीधे, तीन उल्टे, धागा पीछे दो का एक फ्रंट लूप से, एक सीधा एक जाली। तो यहां जाली तक जो है हमने 16 फंदे कर लिए हैं रिपीट। अब जो है लास्ट में दो फंदे जो रह जाएंगे उन्हें हमने बुनना है सीधा सीधा ऐसे। तो अब जो है हम रॉन्ग साइड पे रो 6 बना लेते हैं। तो अब आ जाते हैं फ्रंट साइड, 7th रो बनाएंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा, एक जाली, दो सीधे, यहाँ पे पहला फंदा ये जो है सीधा फंदा घुमा के लगा लेंगे और दो का एक करेंगे बैक लूप से, फिर तीन उल्टे, एक दो तीन, धागा पीछे करेंगे एक सीधा, धागा आगे तीन उल्टे, धागा पीछे दो का एक फ्रंट लूप से, दो सीधे, एक जाली। तो अब एच स्टिच को छोड़ दीजिए, यहां से यहां हमारे ये 16 फंदे होते हैं ये करने हैं हमने रिपीट। तो एक सीधा एक जाली, दो सीधे,
दो का एक बैक लूप से, तीन उल्टे, एक सीधा, तीन उल्टे, दो का एक फ्रंट लूप से, दो सीधे, एक जाली, और एंड में दो फंदे रह जाएंगे, तो ये हमने दोनों सीधे बुनने हैं। तो ये हमारी जो है सातवीं सिलाई इस तरीके से बनेगी। फिर आठवीं सिलाई बना लेंगे। तो अब आ जाते हैं नाइन्थ रो, नौवीं सिलाई। एच स्टिच को हम स्लिप करेंगे, उसके बाद देखिए 16 फंदे हम किस तरीके से बनाएंगे। अब हमने चार फंदे जो हैं वो सीधे बुनने हैं, एक दो तीन चार, धागा आगे करेंगे। अब हमने तीन फंदे उल्टे बुनने हैं, एक दो तीन, फिर धागा पीछे, तीन सीधे। तो ये जो सीधा फंदा आ रहा है देखिए, ये बीच में, इसके आसपास वाले भी हमने सीधे बुनने हैं, तीन सीधे, फिर धागा आगे, तीन उल्टे, एक दो तीन, फिर धागा पीछे, तीन सीधे, एक दो तीन। तो ये एच स्टिच को छोड़ देंगे, यहाँ से यहाँ 16 फंदे ये जैसे बुने हैं हमने वैसे ही रिपीट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कैसे रिपीट करना है। तो देखिए चार फंदे पहले सीधे, एक दो तीन चार, धागा आगे करके, तीन उल्टे, एक दो तीन, फिर धागा पीछे, तीन सीधे, एक दो तीन, फिर धागा आगे, तीन उल्टे, एक दो तीन, फिर धागा पीछे, तीन सीधे, एक दो तीन। अब देखिए एंड में जो है दो फंदे रह जाएंगे, तो ये हम सीधे सीधे बुन लेंगे। दसवीं सिलाई पूरी बना लेंगे, सीधे पर सीधा, उल्टे पर उल्टे। अब आ जाते हैं इलेवेंथ रो बनाएंगे, ग्यारहवीं सिलाई। एच स्टिच को करेंगे स्लिप, उसके बाद अब देखिए तीन फंदे हम सीधे बुनेंगे, एक दो तीन, धागे को आगे करेंगे, तीन उल्टे बुनेंगे, तीन, धागा पीछे करेंगे। अब यहाँ पे हम दो का एक फ्रंट लूप से करेंगे, एक यहाँ जाली डालेंगे, फिर एक फंदा सीधा है, एक जाली है, फिर ये पहला फंदा जो है पहले स्लिप, इस तरह स्लिप करके घुमा के लगा लेंगे, फिर आगे वाले फंदे के साथ दो का एक कर देंगे बैक लूप से, धागा आगे, तीन उल्टे, धागा पीछे और दो सीधे। तो ये एच स्टिच को छोड़ दीजिए, दो चार छः आठ दस बारह चौदह और सोलह, ये 16 फंदे हमने रिपीट करने हैं। तो क्या कर किया था हमने, देखिए तीन सीधे, एक दो तीन, यहाँ पे आप जो है जब 16 फंदे रिपीट हो जाते हैं तो आप यहाँ पे शुरू से मार्कर लगा सकते हैं हर 16 फंदे के बाद, ताकि आपको जो है बिगिनर्स को जो है बुनना आसान हो जाए। फिर धागा आगे करेंगे, तीन उल्टे बुनेंगे, फिर धागा पीछे, यहाँ पे दो का एक फ्रंट लूप से, एक जाली, एक सीधा, एक जाली, दो का एक बैक लूप से, तीन उल्टे, धागा पीछे, दो सीधे। यहाँ तक 16 फंदे हमने रिपीट कर लिए हैं, एंड में दो फंदे जो रह जाते हैं वो सीधे बुन लेंगे। तो ये 11th रो हम ऐसे बनाएंगे, और इसके बाद जो है 12th रो बना लेते हैं। अब हम बनाएंगे 13th रो, 13वीं सिलाई। एच स्टिच को स्लिप कीजिए, उसके बाद देखिए 16 फंदे कैसे बनाने हैं। दो फंदे पहले सीधे बुनेंगे, एक दो, धागा आगे, तीन उल्टे, एक दो तीन, फिर धागा पीछे, दो का एक फ्रंट लूप से, एक सीधा, एक जाली, एक सीधा, एक जाली, एक सीधा, दो का एक करेंगे हम बैक लूप से इस तरीके से, धागा आगे, तीन उल्टे, धागा पीछे, एक
सीधा। तो यहाँ से यहाँ हमने 16 फंदे जैसे बुने हैं ऐसे ही रिपीट करते जाना है। तो यहाँ देखिए क्या किया था हमने, पहले 2 फंदे सीधे थे, फिर 3 उल्टे, फिर धागा पीछे करके 2 का 1 फ्रंट लूप से, 1 सीधा, 1 जाली, 1 सीधा, 1 जाली, 1 सीधा, और यहाँ पे 2 का 1 बैक लूप से, 3 उल्टे, 3 उल्टे बनने के बाद 1 सीधा। यहां तक 16 फंदे रिपीट हो गए हैं, एंड में 2 फंदे रह जाएंगे, ये सीधे बुन लेंगे। अब जो है 14th रो हम बना लेते हैं, उल्टे पे उल्टा, सीधे पे सीधा फंदा और जाली वाला फंदा भी उल्टा। अब आ जाते हैं 15th रो, 15वीं सिलाई, एथ स्टिच को स्लिप करेंगे। उसके बाद देखिए अब क्या करना है, 1 फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे करके 3 उल्टे, 1 2 3, धागा पीछे 2 का 1 फ्रंट लूप से, 2 फंदे सीधे, धागा आगे 1 सीधा, धागा आगे 2 सीधे, 2 का 1 बैक लूप से, 3 फंदे उल्टे ऐसे। तो अब यहां से यहां ये 16 फंदे हमने करने हैं रिपीट। पहले क्या किया था देखिए, हमने 1 फंदा सीधा बुना था तो सीधा बुन लिया, धागा आगे किया, 3 उल्टे बुने थे तो ये 1 2 3 उल्टे हो गए, धागा पीछे 2 का 1 फ्रंट लूप से, 2 सीधे, धागा आगे करके जाली डालेंगे, 1 सीधा बुनेंगे, 1 जाली डालेंगे, 2 सीधे बुनेंगे, अब फिर 2 का 1 बैक लूप से इस तरीके से, धागा आगे 3 उल्टे। यहां तक हमने 16 फंदे कर लिए हैं रिपीट। अब जो है हमने 2 फंदे जो एक्स्ट्रा बच जाते हैं लास्ट में वो सीधे बना लेंगे। तो ये हमने 15th रो जो है वो कंप्लीट कर ली है, और इसके बाद जो 16th रो है वो हम पीछे पूरी सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा और जो जाली वाला फंदा है उसे भी उल्टा बुन के कम्प्लीट कर लेंगे। तो यही हमारी 16 रोज हैं जो हमने बार बार रिपीट करते जाना है। ये देखिए बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बनता है, इससे उभरा हुआ डिज़ाइन बनता है। तो जब इन्हीं 16 सिलाइयों को, 16 रोज को हमने बार बार रिपीट करते जाना है तो फिर उसके बाद तो ये हमें पैटर्न जो है इस तरीके से बनता है। देखिए उभरा हुआ डिज़ाइन है, बिल्कुल उभर के आता है और ये इस तरीके से स्ट्रेचेबल डिज़ाइन बनाता है। तो ये देखिए ऐसे, ये देखिए बहुत प्यारा डिज़ाइन बनता है। और 67 स्टिचेस पर देखिए साल भर तक का जो बच्चा है उसके लिए हम स्वेटर सिर्फ 67 फंदों पर बना सकते हैं। तो ये देखिए, तो बड़ा प्यारा डिज़ाइन बनता है ये, इस तरीके से आप ज़रूर इसे इस्तेमाल कीजिएगा। लेडीज़ कार्डिगन्स पे भी बहुत अच्छा लगेगा, स्वेटर्स जो होती है बंद फ्रंट जो क्लोज्ड होती हैं स्वेटर्स उस पर भी बहुत अच्छा ये आएगा। और ये देखिए, तो इससे आगे की जो वीडियो है वो आपको नेक्स्ट जो है मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया हो, पैटर्न पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि कितने लोगों को जो है मेरी वीडियोस पसंद आती हैं। और अगर इसके जो है नेक्स्ट पार्ट आपको चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और उसमें जो है आपको पूरी जो है बेबी स्वेटर की जो है पूरी डिटेल मिल जाएगी, मेजरमेंट मिल जाएगी उसमें आपको पूरी। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड कीप निटिंग।